आपके जीवन में ऐसे बहुत बार होता है जब आप अपनी जगह पे सही होते हैं और सामने वाला व्यक्ति बार बार आपका दिल दुखाता है, आपकी कदर नहीं करता है, आपकी वैल्यू को नहीं समझता है। हम आपको सिर्फ 5 ऐसे काम बताने जा रहे हैं जिन्हें आप तब करोगे जब आपकी कोई इज्जत उछाले, बेइज्जत करे, आपकी वैल्यू ना समझे या आपकी कदर ना करे। तो आपको ये 5 काम करने हैं। ये आपकी खोई हुई वैल्यू को आपके जीवन में फिर से लौटा देंगे। किसी के पीछे भागने की आपको कोई जरूरत नहीं, बिना किसी के पीछे भागे आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। लोग आपका सम्मान करेंगे। आपके बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए, लोगों के सामने आप अपना महत्व दिखा पाओगे। इन तरीकों से भले ही आपकी खोई हुई वैल्यू वापस लाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ये तरीके 24 कैरेट सोना है। पॉइंट नंबर 1, जो इंसान आपके जीवन से जाना चाहता है उसको आप राजी खुशी चले जाने दो। जिस पल किसी व्यक्ति ने आपको छोड़ने का मन बनाया हो, आपके विरोध में जाने का इरादा बना लिया हो, उसी पल से उसको उसके रास्ते पे जाने दो। उससे कह दो, तुझे जहाँ जाना है जा, तुझे जो करना है वो कर। उस व्यक्ति को ये एहसास दिलाओ कि उसके जाने से या उसने आपको वैल्यू कम देने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपकी वैल्यू उससे प्रभावित नहीं है। भले ही आपके मन में कई तरह की उलझने चल रही हो, भले ही आपको अंदर ही अंदर रोना आ रहा हो, अंदर से आप भले ही टूट चुके हो, लेकिन कम से कम उस पल में, उस व्यक्ति के सामने, उस परिस्थिति में, जिस पल आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी कोई परवाह नहीं कर रहा, आपके सही होने के बाद भी आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, आपको इज्जत नहीं दे रहा, तो उसी पल उसका रास्ता छोड़ दे और उसके रास्ते से हट जाए। वो उसके रास्ते, आप अपने रास्ते। जहाँ कदर ना हो वहाँ से चुपचाप निकल जाने में भलाई है। ऐसे लोगों को जहाँ जाना है जाने दो, जिंदगी से आजाद कर दो। उस व्यक्ति को जैसा करना होगा वो करेगा, उसको जहाँ जाना होगा वहाँ जाएगा। हाँ, हम ये बात मानते हैं कि उनको भूलना, दिल से निकाल फेंकना, उन बातों को नजरअंदाज करके आपके भावनाओं को संभलना, ये सब आसान नहीं होगा। लेकिन उस व्यक्ति ने अगर दिल छलनी कर दिया हो, कैसे निकाल दो उस इंसान को। अब आप ये मत सोचिए ऐसा करने से कैसे वैल्यू आएगी। अरे भाई आएगी, अभी तो और भी पॉइंट्स आपको जानने हैं, तभी तो पता चलेगा। उस व्यक्ति को आजाद करने के बाद अपने मन में जो सुकून और शांति होगी, कुछ समय के बाद में वो अलग स्तर की होगी। किसी ने भी आपको तकलीफ देके आपका इतना ज्यादा दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिसने भी आपकी बेइज्जती की हो उसको एक बच्चा समझ के माफ कर दीजिए, उसकी ना समझी पे दया कीजिए, क्योंकि कमी उसकी बुद्धि में है, उसकी समझ में है, आप में नहीं है। अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हो, लेकिन सच तो ये है कि पॉइंट नंबर 2 पर तभी जा पाएंगे जब आप अकेला महसूस करेंगे। जी हाँ, पॉइंट नंबर 2, उस इंसान के साथ रहिए जो आपके साथ निरंतर खड़ा रहा है लेकिन जिसकी आपने परवाह नहीं की। उस व्यक्ति के साथ जुड़िए जो आपके साथ आपके मन को होने वाली खुशी तक खड़ा रहने वाला है, और वो इंसान आपके अलावा दूसरा कोई और हो ही नहीं सकता। आप वो अकेले इंसान है जिसके साथ अगर आप जुड़ गए तो फिर आपको इस दुनिया में किसी और दोस्त की जरूरत नहीं। खुद से जुड़िए, आपका जितना समय उसे देते थे वो खुद को दे। अपने आप को खोजने की कोशिश कीजिए, आपकी मनचाही और अच्छी जगह पर घूमने जाएं। जो भगवान उसमें नजर आता था उसे अपने आप में देखने का प्रयास कीजिए। अपने जीवन को मजेदार तरीके से जिए। खुद को इस बात के लिए साबित कीजिए कि आपके खुद के अलावा आपको ज्यादा खुश और कोई नहीं रख सकता, और आप अकेले हो। बहुत सारी चीजों को इस संसार में अकेला ही होना पड़ता है। आप भी इसी प्रकृति का हिस्सा हो, आप भी उसके द्वारा बनाए गए हैं। जिस खुद से ही कमेंट करना होगा। अपनी खोई हुई वैल्यू, खोई हुई कदर वापस पाने के लिए आपको भावुक तस्वीर बनाए रखनी पड़ेगी। कोई जलन नहीं, कोई बदले की भावना नहीं, अपने मन को शांत रखना होगा। शांत रहकर चीजों को समझना सीखो।
शांत रहकर लड़ना सीखिए और जीत कर अपनी वैल्यू अपने आप बढ़ाना सीखिए। शांत कैसे रहेंगे? जब खुद के बारे में अच्छा सोचेंगे, खुद को इस बात के लिए तैयार करोगे कि किसी के वैल्यू कम करने से कोशिश कीजिए। आपकी मनचाही और अच्छी जगह पर घूमने जाएं। जो भगवान उसमें नजर आता था उसे अपने आप में देखने का प्रयास कीजिए। अपने जीवन को मजेदार तरीके से जिए। खुद को इस बात के लिए साबित कीजिए कि आपके खुद के अलावा आपको ज्यादा खुश और कोई नहीं रख सकता और आप अकेले हो। बहुत सारी चीजों को इस संसार में अकेला ही होना पड़ता है। आप भी इसी प्रकृति का हिस्सा हो। आप भी उसके द्वारा बनाए गए हैं जिसने इन सबको बनाया है। पॉइंट नंबर 3, खुद से ही कमेंट करना होगा। अपनी खोई हुई वैल्यू, खोई हुई कदर वापस पाने के लिए आपको भावुक तस्वीर बनाए रखनी पड़ेगी। कोई जलन नहीं, कोई बदले की भावना नहीं, अपने मन को शांत रखना होगा। शांत रहकर चीजों को समझना सीखो। शांत रहकर लड़ना सीखिए और जीत कर अपनी वैल्यू अपने आप बढ़ाना सीखिए। शांत कैसे रहेंगे? जब खुद के बारे में अच्छा सोचेंगे, खुद को इस बात के लिए तैयार करोगे कि किसी के वैल्यू कम करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कुछ कम नहीं होता क्योंकि मैं किसी के निर्णय का मोहताज नहीं हूँ। खुद को लूजर वाली भावना में कभी ना लेकर आए। किसी ने अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं दी तो उसमें उसका नुकसान है, आपका इसमें कुछ नहीं जाता। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप क्या है। आपको पता है कि आपकी हद क्या है। आपको पता है कि आपकी क्षमता क्या है। पॉइंट नंबर 4, अपने करियर पर लक्ष्य केंद्रित करें और अपने काम में मस्त हो जाएं। अपनी खूबियों को आप ही ढूंढ कर निखारे। अपने जुनून को समझे, अपने अच्छे शौक को तेज करे। खुद को इतना व्यस्त कर दे कि समय को भी आपसे मिलने के लिए समय लेना पड़े। अपने आप को अपने सपनों के लिए इतना व्यस्त कर दो कि आप प्रतिष्ठा, बेइज्जती, वैल्यू, कदर इन सब शब्दों से परे हो जाओ। और जब आप इन सब चीजों से दूर जाओगे ना, अपने एक एक पल को काम में और केवल अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करते में लगा दो। अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते रहो तो फिर आपके पास समय नहीं होगा किसी से बेइज्जत होने का, हर्ट होने का या किसी दर्द को महसूस करने का। अगर लोगों का काम है आपको बेइज्जत करना, आपकी वैल्यू नहीं समझना, तो आपका भी काम है सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना। अपने जीवन में लोगों को नहीं बल्कि सपनों को चेस करना होता है। अगर लोगों को चेस करोगे तो लोग आएंगे और लोग आएंगे तो वापस भाग भी जाएंगे, लेकिन सपने पूरे नहीं होंगे। और अगर सपनों को चेस करोगे तो सपनों को तो आना ही है और साथ में लोग भी आएंगे। लोगों में आपकी बात मानी जाएगी, कई लोग आपसे सीखेंगे, आपकी वैल्यू की जाएगी, आपकी इज्जत की जाएगी, आपका सम्मान किया जाएगा। और जब आपको आपकी खोई हुई वैल्यू वापस मिलने लगे तो पॉइंट नंबर 5 आपके काम आएगा। पॉइंट नंबर 5 पे किसी की वापसी नहीं। जिस व्यक्ति ने आपकी कदर नहीं की, जो आपकी दोस्ती, आपके प्यार को नहीं पहचानता था तब जब आप कुछ नहीं थे, या तो आप दोबारा उस व्यक्ति की जिंदगी में ना जाएं या उसको आपकी जिंदगी में ना आने दे। फिर से उस इंसान की जिंदगी में जाकर खुद की वैल्यू कम ना करे, क्योंकि आपने तो खुद को अब बदल लिया है। लेकिन वो बदला है कि नहीं बदला है इसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा। उन बुरे दिनों से सबक लेकर आप अपनी मेहनत के बल पर आज यहाँ पर खड़े हो, यहाँ तक पहुँचे हो। आपको फिर से वही गलती दोहरा के उस परिस्थिति में वापस नहीं जाना है। अभी आपने ये जो नया रूप बनाया है, नई इज्जत पाई है, तो आपको अभी इस नए रूप में ही रहना है, नहीं तो फिर से सभी लोग आपको फिर से हल्के में लेना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपकी वैल्यू फिर से अपने आप कम होने लगेगी। जब उस इंसान को आप पूरी तरह से भूल जाओ और जब वो फिर से आपकी जिंदगी में आने की कोशिश करे, तो उससे कहो कि भाई सॉरी, अब मेरी लाइफ में तुम्हारी वो जगह नहीं रही है जो पहले हुआ करती थी। तुम्हें रहना है तो रहो, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जगह मैंने अब किसी भी इंसान को देने के बजाय अपने आप को दे दी है। अगर फिर से मैं तुम्हें वही जगह दे दूंगा तो तुम फिर से वही किस्सा दोहराओगे।
जो तुम आज तक करते आए हो, जो तुमने पहले किया था मेरे साथ। देखिए, इज्जत और वैल्यू चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर से अपनी इज्जत को पाकर, अपनी वैल्यू को बढ़ा के, अपनी मेहनत के दम पे उसको वापस खो देना आपकी बेवकूफी है। प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।